हाय फ्रेंड्स, मुँ नरसिंह। मो यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा रे आपण समस्तंकु बहुत बहुत स्वागत। आज आम एही वीडियो रे डिस्कशन करिबा किछ मोस्ट इंपोर्टेंट ओडिया ग्रामर एंड पेडागोजी क्वेश्चन उपरे, जहाँ कि ओटीटी एग्जाम 2022 पई इंपोर्टेंट रहिबो। एथरे आम डिस्कशन करिबा टोटल 25 क्वेश्चन, तो आपण आउट ऑफ 25 केत मार्क रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स, एथरे आम डिस्कशन करिबा टोटल 25 क्वेश्चन। तो समस्त क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहिछ, तो आपण आउट ऑफ 25 केत मार्क रखुचंत कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो प्रथम क्वेश्चन रहिछ आपमानक पई, वर्णाशुद्धि निराकरण पई केउटी अधिक उपयोगी अटे। आमर जो वर्णाशुद्धि निराकरण करिया पे कोटा सबटरु बेस्ट पचारिछि, तो विराम चिन्हर व्यवहार, द्रुत पठन, लिखन अभ्यास ना कथोप कपन। तो क्या द्वारा वर्णाशुद्धि निराकरण सब भलसे हो पार? तो करेक्ट आंसर होची लिखन अभ्यास। आम लेखिबा राइटिंग करिबा द्वारा आमर वर्णाशुद्धि निराकरण आराम से हो पार, एटा सबटरु बेस्ट बा सबटरु उपयुक्त अटे, अधिक उपयुक्त। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। जो मैंने सी टिक करछन्ती एक मार्क एड करिनेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही है, केउटी मातृभाषा शिक्षा दान रे मूल्यायन विधि उद्देश्य संपर्कित नुहे। तो चारिटा ऑप्शन रही है, पाठदान को व्यक्ति केंद्रिक सहज और सरल करिबा, बेसी नंबर रखुथे पिला मानको बा शिशु मानको पुरस्कृत करिबा, छात्र छात्री मानकर दुर्बलता चिन्हट करी ताहा निराकरण करिबा, पढ़ा शुणारे अधिक मनोनिवेश करिया पे उत्साहित करिबा। तो देखंतु, मातृभाषा शिक्षा दान रे मूल्यायन विधि उद्देश्य होची जे पाठ पढ़ा जो आम जो दिया जाऊँ से व्यक्ति केंद्रिक हे सहज हम आ सरल हम, जहाद्वारा पिला माने आराम से बुझीपारे आने किसी नॉलेज कैप्चर करेंगे। नेक्स्ट रही है, आम छात्र छात्री मानक दुर्बलता कौथे विक् रही है, मैथ्रे विक् रही है, इंग्लीश रही है, कौ सब्जेक्ट से बुझी पार्नि, पिलाटा फाइंड आउट करा पड़ो, करा पड़ो, कलापर ताकु बुझेवा पड़े से सब्जेक्टा केमी कराद्वारा तार जो दुर्बलता जोड़ा बुझीपार्नि से बुझीपार। तो आमर यहाँ पिला दुर्बलता चिन्हट कर निराकरण करवा, ये तार गोटे उद्देश्य मूल्यायन विधि। आउ पाठ आमर जो पाठ पढ़ाई पिला किभली भाव अधिक मोटिवेटेड हे, मोटिवेशन पाए, आउ पाठ पढ़ाई उत्साहित हे, से एनकरेज करा दरकार पाठ पढ़ाई पिला, ये तार शिक्षादान आम जो मातृभाषा शिक्षादान मूल्यायन विधि उद्देश्य अटे। किंतु बेसी नंबर रखुए पिला पुरस्कृत करवा, यहाँ गोटे तार मूल्यायन विधि उद्देश्य नुहे। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही है, प्राथमिक स्तर में शिक्षादान निम्ते क्यों पद्धति उपयोगी नुहे। तो आम प्राइमरी लेवल रे आम जो शिक्षा ध्यान दि जाऊँच कौटा इंपोर्टेंट नुह, संव्यापक मूल्यायन, शिक्षण कार्य पद्धति, क्रिया प्रतिक्रिया ना क्रीड़ा पद्धति। तो देखो, ये आम प्राथमिक स्तर शिक्षादान नुहे, शिक्षादान क्रीड़ा पद्धति प्लेवे मेथड आम इंपोर्टेंट अटे, आउ क्रिया प्रतिक्रिया सहित आम शिक्षण कार्य प्रोजेक्ट मेथड मध्य तीन टा जाक उपयुक्त अटे, किंतु संव्यापक मूल्यायन पद्धतिटा उपयुक्त नुहे। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही है, आप ट्रैक लिखन निम्ते निम्नोक्त केउटी यथार्थ पंथा नुहे। कलम धराई अक्षर लिखा कहवा, शिशु को फूल खड़ी धराई तीनो सुन मड़ाइवा, बिंदु जोड़ी चित्र आंकवा, गार टाणी चित्र रंग देवा। तो प्राक लिखन माने जोटा आम जो स्कूल रे स्टार्टिंग आम जॉइनिंग कर छोटे छुआटा, तो से लिखबार जानी, तो से समय रे ताकु आम कौटा कौन टा कौ जिनसा उपयुक्त अटे से पचार। तो देखो, जो स्टार्टिंग से जाए लिखबार जानी प्राक लिख मैंने लिखन पूर्व, तो कहवा आम कौन करवा ना गोटे फूल खड़ी धरेबा, ताकु मुंडला बुलाया कहवा माने सुन बुलाया कह, तो पिला इंटरेस्ट रे सेटा से बुलेबो, तापर ताकु बिंदु करिबा डॉट 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 बिंदु करो, ताकु लाइन काट बोली कहवा, आमे एमती रखी बुझे एमती करे कह, तो इंटरेस्ट लगे से मनोनिवेश कर। गार गार टाणी चित्र रंग देवा, तो गार टाणी रंग ने आमर जो सबुज कलर देवा, तो पिलाने इंटरेस्टिंग हम। तो ये तीन टा यथार्थ अटे, किंतु यथार्थ कौन कलम धराई अक्षर लिखा प्राक लिखन कह, लिखन पूर्व से कहे जो मैंने लिखा शिखा पूर्व आम कलम धराई देवा अक्षर लिखा, तो आसंतु से कौन लिखे अक्षर, तो यहाँ यथार्थ नुहे। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही आमर सीता एठाक आस, यही वाक्य सीता कौ पद से पचार, विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम ना अवयव। तो सीताटा कौन ना गोटे विशेष्य, कहीं नामटा नाम आम सीता जो नाम, तो यहाँ आम गोटे विशेष्य पद अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, सर्वे चलिबे काल बले, यही वाक्य सर्वनाम पदटा किए, सर्वे ना चलिबे ना काल ना बले।
तो सर्वनाम हूँ यहाँ कौन ना सर्वे सर्वे मान समस्ते समस्त जगह सर्वे लगी तो ये आम सर्वनाम पद ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर सर्वनाम पद ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट रही आप रही व्यक्ति बा संज्ञा वाचक विशेष निर्दिष्ट संज्ञा को न बुझाई समूहर तुलनात्मक प्रतीक रूपे व्यवहार हेले से पद को कौन कह जाए संज्ञावाचक विशेष ना गुणवाचक ना जातिवाचक ना वस्तुवाचक मुझे पूर्व आपदी कौन व्यक्तिवाचक संज्ञावाचक विशेषटा निर्दिष्ट संज्ञा को न बुझे गोटे ग्रुप को बुझौती तो आउ कंपेयर करुच्ची जदि से कौन हम ना आम जातिवाचक विशेष हो काली पूर्व काली वीडियो रे कही आपर कालिदास को भारत शेक्सपियर कह जाए शेक्सपियर सहित तुलना करा जाई आउ शेक्सपियर सहित आम कालिदास को तुलना कर पारिबा आम वाल्मीकि को तुलना कर पारिबा आम चेतन भगत को तुलना कर पारिबा आम समस्त माने गोटे ग्रुप को आम तुलना कर पारिबा तो ये आम समूह हूँ माने ग्रुप आ तुलना कर कंपेयर कर तो ये आम जातिवाचक विशेष हम ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विशेष पद आगे रही विशेषण पद पछरे रही क्यों विशेषण हुए तो देखु विशेष पद मान विशेष मान राम राम सत्यवादी सत्यवादी तो ये आम विशेष पद राम आगे रहा विशेषण पछे रहा तो ये कौन हम ना ये आम कौ विशेषण हम से पचारिटा सत्यवादी आम रहा यहाँ है विशेषण राम को विशेषित कला तो ये आम कौन हम ना विधेय विशेषण हम तो आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कही रखुच्छी मु या पूर्व गोटे वीडियो बनई ता आग वीडियो बनई से मुझे कहीदी जे कौन ना विधेय विशेषण कही विशेष पूर्व जो विशेषण लगुच्छे से विशेष विशेषण हम आम विशेष पूर्व जदि विशेषण लगुच्छी तेल कौन हम से विशेष विशेषण हम सीटा आप ठीक करे मुझे आप विधेय विशेषण कही तो पिला बहुत कमेंट सेक्शन में लिखी थे मुझे तार कमेंट आपको जनईली करेक्ट आंसर बोली तो आमर विशेष पद पूर्व जोटा रोच विशेषण से कौन ना विशेष विशेषण ये कौन ना विशेष पद आगे रहा आप पछे रहा आम विशेषण तो ये आम कौन हम विधेय विशेषण हम ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही जेसा कु तेसा यहाँ कौ प्रकार वाक्य आम वाक्य गोटे क्वेश्चन आसव सरल जटिल जौगिक आ मिश्र वाक्य तो जेसा कु तेसा यहाँ कौ प्रकार वाक्य मिश्र ना जटिल ना जौगिक ना सरल तो जेसा कु तेसा यहाँ आम कौन ना जटिल वाक्य जे से आमर लगी बिंदास मारे आम जटिल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्यों पद्धति द्वारा प्रसंग निहित भावधारा बुझापी विद्यार्थी मैंने समर्थ हूँ सरव उच्च नीरव ना द्रुत तो देखु आमर गोटे प्रसंगर प्रसंग भितर जहाँ कि भावधारा रही है सेटा को बुझापी पे समर्थ हे क्या द्वारा ना नीरव पठन करने द्वारा गोटे प्रसंग निहित भावधारा को आराम से बुझीपारे। नेक्स्ट रही गुणात्मक शिक्षार लक्ष्य हासिल पाई केउंटी एकांत अपरिहार्य अटे ए क्वेश्चनटा आम इंग्लीश रे मध्ये आसला पड़ा ओडियार मध्ये आसुछि ए क्वेश्चनटा ऑलरेडी इंग्लीश रे आपन करि सारिछि तो गुणात्मक शिक्षार लक्ष्य हासिल करिया पाई आमर कोटा एकांत अपरिहार्य अटे शिक्षण सामग्री ना व्यवहारिक व्याकरण ना औपचारिक शिक्षा ना दक्ष शिक्षक तो देखु मेन है गुणात्मक शिक्षा जो लक्ष्य हासिल करने चाहू ताहले दक्ष शिक्षक मेनली दरकार दक्ष शिक्षक कम आमर कंपिटेन्सी टीचर आमर रही आवश्यक दक्ष शिक्षक थिले ही आमे गुणात्मक शिक्षा लाभ करिपरिबा आउ दक्ष शिक्षक नथिबो शिक्षक भलसे पढ़ार जाना नथिबो आमे ताको टीचिंग लर्न आम टीएलएम थिबो भलो शिक्षण सामग्री थिबो किबा औपचारिक शिक्षा थिबो किबा व्यवहारिक व्याकरण रहिबो तो एगुडा किछि आवश्यक नै मेन हैला शिक्षक दक्ष शिक्षक रहिबा आवश्यक अटे ऑप्शन नंबर डी होउछ आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही गोलाप सपुरी टगर मल्ली कदली पणस चंपा एगुड़िक मध्य फूल और फलर ना अलग करके लेख यह कौ प्रकार प्रश्न तो देखु पुनः सज्जीकरण ना दृष्टांतमूलक ना सत्यसत ना वर्गीकरण तो ये आम कौन कह गोलाप माने फूल को अलग कर फल को अलग कर फूल कौटा आम गोलाप आसला टगर मल्ली चंपा एगुड़ा फूल अलग कले आम फल कौन सपुरी होगा आप कदमी पणस अलग है मैंने आम जो अलग अलग करें कैटेगरी वाइज अलग अलग करो से कह जाए इंग्लीश क्लासीफिकेसन वर्गीकरण तो ये आम कैटेगरी वाइज अलग करें वर्गीकरण ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर वर्गीकरणमूलक प्रश्न।
नेक्स्ट रही श्रेणी रे भाषागत भिन्नता कहीं देखा जाए गोटे भाषा जानता पिला आसुवु ना गोटे प्रकार पिला आसुवु ना भिन्न भिन्न अंचल परेशर पिला आसुवु ना गोटे पर संस्कृति भितर पिला आसुवु तो देखु श्रेणी भाषागत भिन्नता श्रेणी में भाषागत भिन्नता देखा जाऊँगी कारण भिन्न भिन्न अंचल परेशर पिला आसुवु आमर तेलुगु आम ओडिशा रे तेलुगु पिला अछंती सेमान तेलुगु कहउछंती किछि पिला आमर आदिवासी पिला सेमान जुआंग मुंडा सांताल भाषा कहउछंती आउ आम ओडिया भाषा कहउछंती किछि बंगाली लोक अछंती सेमान बंगाली भाषा कहउछंती तो भिन्न भिन्न अंचल रो बा परिवेश रो पिला थिबारु आमर भाषागत श्रेणी रे भाषागत भिन्नता देखा जाए ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही जेऊं परीक्षण कौन सी निर्दिष्ट उद्देश्य को विचार को नहीं प्रस्तुत कराए ताकू कि प्रकार परीक्षण कहा जाए ये क्वेश्चन रा आंसर आप देवे कमेंट बॉक्स रे होमवर्क रहिला मो आंसर आपको निहत भाव यही वीडियो रे कमेंट सेक्शन में जनवि और नेक्स्ट वीडियो रे यार आंसर आपको कहबी तो यहाँ कौन हम जो परीक्षणटा कौन सी निर्दिष्ट उद्देश्य को विचार को नहीं प्रस्तुत कराए कि प्रकार परीक्षण कहुए वस्तुनिष्ठ ना उद्देश्य भित्तिक ना व्यवस्थान ना एक परीक्षण तो यहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रही तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही है लेखा मध्य कौन शब्दर अर्थ अधिक स्पष्ट करने को सूचना देवाक क्यों चिन्ह दि जाए उद्धृति डैश कमा ना बंदनी तो देखो कौन सी शब्दर अर्थ को अधिक स्पष्ट करने को कौन दि जाए ना बंदनी दि जाए बंदनी भितर आम जहाँ कि लिखिले से फोकस करते लोके तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्वशिक्षण क्या कहा जाए स्वशिक्षण क्या कहा जाए तो आम रही चार्ट ऑप्शन रही शिक्षक शिक्षयत्री साहय शिखा पाठ्यपुस्तक पढ़ी बुझी शिखा ना शिक्षक शिक्षयत्री बिना साहय पे पाठ बुझी निजे प्रयोग करवा ना कौन विषय को निजे निजे घोषी मन रखा स्वशिक्षण माने पाने बिना शिक्षक शिक्षयत्री साहय पाठ को बुझिकी निजे अप्लाय करेंगे प्रयोग करेंगे सहीटा हूँ स्वशिक्षण से कौन से शिक्षक आ शिक्षयत्री सहायता दरकार पड़े ना पाने निजे निजे आमर रही डिक्सनारी अच्छे से गोटे क्वेश्चन गोटे गोटे से खोज डिक्सनारी गोटे वार्ड कौन कह जाए से निजे निजे खोजुच्छे निजे ट्राए कर वार्डर अर्थ या हम तो से निजे खोजिले आजे जानला तापर से कौन से लिखुच्छे गोटे रचना बा जहाँ लिखुच्छे से प्रयोग करुच्छे तो शिक्षक शिक्षयत्री बिना साहय पे पाठ को बुझे निजे प्रयोग करवा हूँ स्वशिक्षण स्वशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिक्षार्थी निजर मनोभाव को उपयुक्त भाव प्रकाश कर पार्छे कि ना परीक्षा करने कि के प्रकार प्रश्न पचरा जाए निर्दिष्ट उत्तरमूलक दीर्घ उत्तरमूलक क्षुद्र ना अभिव्यक्तमूलक तो देखो गोटे शिक्षार्थी निजर मनोभाव को उपयुक्त भाव प्रकाश कर पार्छे कि ना आम परीक्षा करने कौन प्रकार ना अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न पचार जो थे कि से गोटे वर्णना करकोसी विषय डेस्ट्रिक वर्णना कर एक्सप्रेस आम इंग्लीश कह एक्सप्रेस बेस्ड क्वेश्चन एक्सप्रेस बेस्ड क्वेश्चन एक्सप्रेसन तार से देखेब तार वर्णना कर तो यहाँ हूँ ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही गोटे शब्द वाक्य व्यवहार उदाहरण दे ठीक से हीपरी परिस्थिति नूतन शब्द वाक्य व्यवहार करने शिक्षार्थी मानक कहवा यहाँ कौ प्रकार प्रश्न वर्गीकरणमूलक पुनर्सज्जीकरण दृष्टांतमूलक ना उत्तरमननमूलक तो देखो उत्तरमननमूलक मैंने आमर चार्ट ऑप्शन रही कौटा ठीक अच्छे से मुंडला बुलाया यहाँ आम ठीक अच्छे तो यहाँ मुंडला बुलाया तो यहाँ आम हो उत्तरमननमूलक आपर वर्गीकरण मान कौन आम जो सब आम फल थी पर गच्छ सब अलग गच्छ को अलग करवा फल आइटम अलग करवा आउर आम फूल आइटम अलग करवा सीटा हूँ अलग अलग करवा आमर हो वर्गीकरण मूलक जाऊँ पुनर्सज्जीकरण मान कौन आम देशर नाम भारत ये भारत दे थोपर आम देपर देश दे तो ये आम सजेकि लिखा हूँ पुनर्सज्जीकरण आग पचे रही थी सीटा सजेवा पुनर्सज्जीकरण आ दृष्टांतमूलक आम यहाँ आंसर हो दृष्टांतमूलक कहीं उदाहरण देखते उदाहरण मान जहाँ दृष्टांत मान से तो उदाहरण देकी ठीक से ही परिस्थिति आउ गोटे शब्द करेंगे से दृष्टांतमूलक जाऊँगी तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर दृष्टांतमूलक। नेक्स्ट रही जल यार समर्थक शब्दी लेख समर्थक प्रतिशब्द कौन हम से पचार अनल अनिल नीर ना नीरद तो देखो जल प्रतिशब्द कौन हम ना नीर हो नीरद मान मेघ अनिल मान पवन अनिल मान निया तो आम ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर नीर जल प्रतिशब्द हूँ नीर। नेक्स्ट रही समन्वित पाठ्यपुस्तक केव कार्यटी न थाए
ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରେଟେଡ୍ ବୁକ୍ ରହିଛି, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ମୁଖସ୍ଥିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଟା ନଥାଏ ସେ ପଚାରିଛି। ତ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି, ତିନିଟା ଯାକ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖସ୍ଥିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ନଥାଏ। ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର ସେ ପଚାରିଛି। ଆମର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି OTT ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତ ଅଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ବଧି, ଅଦ୍ୟଯୁକ୍ତ ବଧି, ଅଦ୍ୟଯୁକ୍ତ ଅବଧି, ଆଦିଯୁକ୍ତ ଅବଧି। ତ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଦ୍ୟଯୁକ୍ତ ଅବଧି, ଅଦ୍ୟାବଧି। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ ରେମେଡ଼ିଆଲ ଟିଚିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଫାଇଦା କ'ଣ ହେବ। ପିଲାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ, ପିଲାର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ପିଲା ଅନେକ କଥା ଶିଖିଥାଏ, ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବା ପିଲାଟା କେଉଁଥିରେ ୱିକ୍ ଅଛି, କେତେ ପରିମାଣର ୱିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଯେଉଁ ତା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ରେମେଡ଼ିଆଲ ଟିଚିଂ ଦେବା, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାର କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି ସେଟାକୁ ଆମେ ବୁଝେଇ କହିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତାଟା ଯାହା ସେ ୱିକ୍ନେସ୍ଟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ନିଜର କଲା କର୍ମ ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ଦୋଷ, ନିଜେ ହିଁ ଦୋଷୀ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଦ୍ୱୟର ସର୍ବନାମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ନିଜେ ନିଜର ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ସର୍ବନାମ ସେ ପଚାରିଛି, ଆତ୍ମବାଚକ, ଆପେକ୍ଷିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ତ ନିଜେ ନିଜର ଆପେ ସ୍ୱୟଂ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର କ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଆପଣମାନେ ସର୍ବନାମ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବୟ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରତି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆମର ସେ ଧନୀ ମାତ୍ର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ, ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ ନା ମିଶ୍ର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ, ସେ ଧନୀ, ସେ ଧନୀ ମାନେ ସେ ଧନୀ ଅଟେ, ଅଟେଟା ଉହି ଅଛି, ସେ ଧନୀ ଅଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ତ ଏକରୁ ଅଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଆମ କରେକ୍ଟ ଅଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଆମର ଓ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମାତ୍ର ଏସବୁ ଲାଗିକି ଆମର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ସଭାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ରେଖାଙ୍କିତ ଅବୟ ପଦଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ପଚାରିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କେଉଁ ଅବୟ, କାଳସୂଚକ, କର୍ମବୋଧକ, ବିପ୍ସାର୍ଥକ ନା ଭାବସୂଚକ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏସବୁ ଆମର କ'ଣ ନା କ୍ରମବୋଧକ, କ୍ରମବୋଧକ ଅବୟ ବା ଆନୁକ୍ରମିକ ଅବୟ, କ୍ରମବୋଧକ ଦେଇଥିବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆନୁକ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବ। ତ ଏଇଟା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ୍ରମବୋଧକ ଅବୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ସବ୍ୟସାଚୀ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ମୁଁ ତାହା ନୁହେଁ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଏହାର ଆନ୍ସର ବହୁତ ପିଲା ବିଶେଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଅବୟ ଦେଇଛି, କିଏ ସର୍ବନାମ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଆମର ସର୍ବନାମ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ସବ୍ୟସାଚୀ ହେଉଛି ବିଶେଷ, ତାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ନା ସେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ଆମର ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ବିଶେଷଣ ହୋଇଗଲା। ତ ଏଇଠି କହୁଛି ମୁଁ ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା ମାନେ ମୁଁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ନୁହେଁ, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବଦଳରେ ତାହା ଲାଗିଛି, ବିଶେଷଣ ବଦଳରେ ତାହା ଲାଗିଛି, ତାହାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସର୍ବନାମ। ତ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ବଦଳରେ ସର୍ବନାମ ଲାଗୁଛି, ବିଶେଷ୍ୟ ବଦଳରେ ସର୍ବନାମ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷଣ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନାମ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନାମ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନାମ ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହଁ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ, ତ ବିଶେଷଣ ଜାଗାରେ ତା ଆମର ଲାଗିଛି ସର୍ବନାମ ଲାଗିଛି, ତ ଏଇଟା ତାହାଟା ଲାଗିଛି, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବଦଳରେ ତାହା ଲଗେଇଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ବିଶେଷଣ ବଦଳରେ ସର୍ବନାମ ଲାଗିଛି। ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବ୍ୟସାଚୀ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହେଲା ଆମର ବିଶେଷଣ ହୋଇଗଲା। ତ ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ତାହା ନୁହେଁ, ମାନେ ମୁଁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଠି ବିଶେଷଣକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି, ତାହାଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି, ବିଶେଷଣ ବଦଳରେ ଲାଗିଛି ସର୍ବନାମ। ତ ଏଇଟା ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବନାମ ଟିକ୍ କରିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଗେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ।
तो फ्रेंड्स ये आपने टोटल 25 क्वेश्चन थी आ गोटे होमवर्क क्वेश्चन रही तार आंसर आपने देते मुझे आशा करती भिडियो भल लगी जदि भिड भल लगुच्छी तेल निहत गोटे लाइक करेंगे और अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी को शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।